ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तेल एवं गैस के बाद अब प्रदेश में मिले पोटास के भंडारों से राजस्थान को एक नई पहचान मिलेगी, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 5 मिलियन टन पोटास का आयात होता है, इस तरह इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर क्षेत्र में पोटाश के भंडारों से हम इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस दुर्लभ खनिज का मुख्य उपयोग उर्वरक, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल तथा ग्लास सहित अन्य उद्योगों में होता है। प्रदेश में इस खनिज का उत्खनन होने से इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व एवं रोजगार में वृद्धि होगी। यहाँ हम आपको बता दें, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में 700 मीटर नीचे पोटाश के भंडार पाए गए हैं। पोटाश खनिज के व्यवहारिकता अध्ययन के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जुड़े। इस दौरान CM अशोक गहलोत ने कहा कि आज हुआ MOU पोटास के खनन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। पोटास का मुख्य उपयोग उर्वरक, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ग्लास सहित अन्य उद्योगों में होता है। प्रदेश में इस खनिज का उत्खनन होने से इन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व और रोजगार में वृद्धि होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, देश को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। राजस्थान खनिजों का खजाना है, हमारा प्रयास है कि इनका समुचित दोहन हो और राजस्थान खनन के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बने। पूरे प्रदेश की खनिज संपदा की खोज के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार माइनिंग सेक्टर में नीतिगत सुधार कर रही है और इस क्षेत्र में कई बाधाओं को दूर किया गया है। देश के लिए जरूरी पोटाश की उपलब्धता के आकलन और खनन की दिशा में हो रहे इस काम में राज्य सरकार से प्रोएक्टिव सहयोग मिल रहा है। भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण और MECL ने अपने प्रारंभिक अध्ययन में इस बेसिन में करीब 2,500 मिलियन टन खनिज पोटाश की उपलब्धता का आकलन किया। भारत सरकार खनन के क्षेत्र में राजस्थान को पूरा सहयोग करेगी। वही केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पोटाश के खनन से पश्चिमी राजस्थान पोटाश से जुड़े उद्योगों का हब बन सकता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई दशक पहले प्रदेश में पोटाश खनिज के मौजूद होने का आकलन किया था, लेकिन इस दिशा में आगे काम नहीं हो सका। अब इस काम को गति मिल सकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।